हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आप सभी का स्वागत है और प्यार भरा नमस्कार भी सभी के लिए। तो आज फिर मैं आपके सामने आई हूँ, आपसे फिर मन कर रहा था बातें करने का, फिर बातें करूँगी लेकिन वो भी बातें होंगी फिर से एक नए प्लांट की। नया तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि बहुत बढ़िया सा प्लांट है और मुझे लगता है मोस्टली सभी के घर में होगा, और नहीं होगा तो वो ज़रूर अपने घर में ये वाला प्लांट रखेंगे। देखिए, जिसको कहा जाता है स्नेक प्लांट। देखिए, ये भी वैरायटी है, इसमें बहुत वैरायटीज़ आती हैं, ऑलमोस्ट 70-80 वैरायटीज़ आती हैं। देखिए, ये जो मोस्ट कॉमन, अगर आप जाएंगे आप नर्सरीज में, आप ऑफिसर्स के बाहर और सब जगह आपको ये वाला प्लांट इजीली दिखेगा। तो अब इसी की बात करेंगे, अगर जिसके पास नहीं होगा, अगर वो किस तरह से प्रोपेगेट कर सकता है इसकी भी बात करूँगी, केयर टिप्स की भी बात करूँगी, लेकिन उन सबसे पहले ये बात करूंगी कि ये प्लांट स्पेशल क्यों है। सबसे स्पेशल है मेरे लिए सभी प्लांट्स में से, क्यों? क्योंकि इसको नासा ने रिकमेंड किया है एज अ एयर प्योरीफायर। तो इसलिए देखिए ये कितना एयर को प्योरीफाई करता है, इसलिए ये बहुत स्पेशल हो जाता है। सेकंड पॉइंट मेरा रहेगा क्यों, क्योंकि ये एसी रूम्स हों, आप ऑफिसेज हों, आपके बेडरूम्स हों, लिविंग रूम्स हों, रात में भी ये एयर को प्योरीफाई करता रहता है, इसलिए हम इसको बेडरूम्स में भी रखते हैं। तो ये इसलिए ये स्पेशल है। और तो और इस ये मेंटेनेंस की बात करें तो इसको कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, निल ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इसलिए ये स्पेशल है। और अगर हम इसको इंडोर में रखते हैं जहाँ पे कि बहुत लो लाइट है, वहाँ पे भी ये बहुत बढ़िया चलता है, लो लाइट में भी बहुत बढ़िया चलता है, इसलिए ये बहुत स्पेशल है। और तो और ये हाउस प्लांट भी है, पॉपुलर हाउस प्लांट है। क्यों? देखिए कितना सुंदर सी इसकी, ये देखिए आप इसकी वेवी सी स्ट्राइप्स देखिए जो इसके ऊपर आ रही हैं, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं ये स्ट्राइप्स। और तो और अगर उसकी बात करते हैं तो वो मुझे और भी सुंदर लगता है। देखिए किस तरह से इसकी येल्लो है आसपास, बहुत सुंदर प्लांट है, और बीच में ग्रीन। तो इन सब रीज़न से ये बहुत स्पेशल हो जाता है। और ये तो मैंने बताया ही आपको कि सेंसेवेरिया प्लांट कहते हैं, स्नेक प्लांट कहते हैं, मदर इन लॉज टंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबी पत्ती है शायद, इसलिए इसको मदर इन लॉज टंग कहा जाता है। और मैंने बोला ज़ीरो मेंटेनेंस है, मतलब है कि हार्डी प्लांट है बहुत ज़्यादा। और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि अगर किसी को एलर्जीज हैं, जैसे छींके आती हैं और प्रॉब्लम है उसको, तो वो भी ये प्लांट लगाएगा। ये तो नहीं कह सकते कि वो 100% क्योर हो जाएगा, लेकिन उसमें ज़रूर है कि कुछ ना कुछ उसको फ़ायदा होने वाला है। इवन एस्थमा पेशेंट्स जो होते हैं, वो भी अगर अपने यहाँ पे ये वाला प्लांट लगाएंगे तो उनको भी फ़ायदा होने वाला है, और शुद्ध तो करता ही ये हवा को। तो देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं। तो ऐसे जो गुणों की खान है, इतना फ़ायदेमंद, बहुत खूबसूरत, वो तो आप देख ही पा रहे हैं कितना खूबसूरत है। ऐसे प्लांट को तो इजीली हमें लगा लेना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है, इसमें पेस्ट भी नहीं आता, पेस्ट फ्री प्लांट है। तो देखिए, और तो और अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको फर्टिलाइज़र भी नॉर्मल, जो भी आप 6 महीने में, साल में एक बार देंगे, 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, अगर अपने बाकी प्लांट्स को कोई कंपोज दे रहे हैं या आप गोबर की खाद दे रहे हैं या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं घर में ही अपनी किचन वेस्ट से बना रहे हैं, वो दे दीजिए, सब में बहुत बढ़िया चलता रहेगा, बिल्कुल उसको कोई मेंटेनेंस, हार्डी तो मैंने कह ही दिया, देखभाल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये मतलब इसको इनडोर, बेडरूम, लिविंग रूम कहीं भी हम रख सकते हैं इस प्लांट को। और मज़े की बात है, किसी भी तरह के पॉट में, अगर आप इसको मिट्टी वाले पॉट में रखेंगे या सिरेमिक में, क्योंकि आप इंडोर रखेंगे तो थोड़ा पॉट आपका सुंदर सा लेंगे, सिरेमिक भी ले सकते हैं, जैसे भी पॉट में रखेंगे ये बहुत बढ़िया से आपका प्लांट चलता रहेगा। तो चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी केयर टिप्स की बात करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट, सुमन की बगिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत बढ़िया प्लांट है, और शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा सुमन की बगिया को। तो चलिए उसके लिए अब हम जब केयर टिप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले
जो प्लांट गुणों की खान है उसकी मैं सबसे पहले उसकी सॉइल की बात करना चाहूंगी आपके साथ। देखिए हमेशा की तरह कहूंगी, जो इसकी सॉइल लेंगे आप वेल ड्रेन लेंगे, और जब आप अगर आप ये देखें कि इसकी बेस्ट ग्रोथ अगर आपको कब चाहिए, वैसे तो ये किसी भी तरह की सॉइल में बखूबी चलता है, लेकिन अगर आप कहें कि बेस्ट ग्रोथ किस में चाहिए, तो देखिए एक पार्ट सॉइल ले लीजिए, गार्डन सॉइल, एक पार्ट सैंड और एक कंपोस्ट ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या गोबर की खाद, इन तीन पार्ट्स को मिला के आप लगाइए, बहुत बढ़िया सा ये प्लांट आपका चलता रहेगा। और हम जब वाटर की बात करते हैं तो देखिए इसको वाटर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मीडियम वाटर दीजिए। इवन विंटर्स आए तो 15-20 दिन बाद भी अगर आप पानी देंगे तो भी देखेंगे चलता रहे। और जब भी आप ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल मत करिए, हर रोज़ इसको पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से आप हमेशा फिंगर देखिए, इस तरह से आप फिंगर डालिए इस तरह से, और देख लीजिए कि अगर बहुत आपको लगे कि बहुत गीला गीला है बिल्कुल पानी देना, जब आपको लगे कि हाँ मॉइस्चर नहीं है या कम हो गया है बिल्कुल, तभी आप पानी दीजिए। और जहाँ सॉइल की बात करते हैं, अब हमेशा मैं ये कहना भूल जाती हूँ, देखिए आप कम से कम इतना 1 इंच देखिए, इतने पे ही बिल्कुल ऊपर तक कभी भी मिट्टी मत डालिए, सॉइल जो भी पॉटिंग मिक्स रखते हैं मत डालिए, इतना गैप जरूर रखिए ताकि हम इजीली पानी दे सकें। और जब भी आप पानी दें उसको पूरा पानी दें, ये नहीं कि ऊपर ऊपर पानी रहे और रूट्स पे ना जाए, पूरा पानी दें ताकि वो पूरा नीचे तक जाके और नीचे से निकले, तभी इतना ही, ये तो थंब रूल है पानी देने का। और इस प्लांट को पानी ज़्यादा नहीं देना, हर रोज़ नहीं देना, विंटर्स में तो मैंने बता ही दिया काफ़ी दिन के बाद देना है। और जहाँ तक सनलाइट की बात करते हैं तो देखिए वैसे तो ये सनलाइट में चलता है, इंडोर में भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अगर हम इसको इनडायरेक्ट लाइट में रखेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट वाली सनलाइट नहीं देंगे, इनडायरेक्ट में रखेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। सुबह की धूप दे दीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा इनडायरेक्ट लाइट में रखिए। अगर बहुत डायरेक्ट लाइट में रखेंगे, देखिए मेरे कितने सुंदर कलर आ रखे हैं, तो मैंने इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखा हुआ है, अदरवाइज आपके कलर्स जो हैं वो फीके पड़ जाएंगे। बाथरूम में रखेंगे आप, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है, बहुत अच्छा चलता है। बाथरूम्स के लिए भी ये बेस्ट प्लांट है, जिसे मैंने बेडरूम के लिए बताया, बाथरूम के लिए भी बेस्ट प्लांट है। तो अब हमने काफ़ी सारी बातें की, लेकिन मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी प्रोपेगेशन की करना भूल गई, वो मैं बताती हूँ आपको। कि देखिए इसकी प्रोपेगेशन, आप ये देखिए, ये जो मैं प्लांट है ना, ये मैं कहीं से एक लीफ लेकर आई थी सिर्फ, ये देखिए इस तरह से इसकी ये जैसे लीफ टूट रही है, या आप कोई लीफ इतनी सी भी कटिंग कर दीजिए और उसको इसी तरह से मिट्टी में ऐसे खड़ा कर देंगे तो नीचे से रूट्स आ जाएंगी। तो मैं यही बोल रही थी आपको, कहीं भी ऑफिस के बाहर, किसी बिल्डिंग के पास, अपने पार्क में, आप देखिए मुझे पेड़ों के आसपास भी पार्क में बहुत सारा लगा रहता है ये, ताकि एयर प्योरीफाई हो सके। एक लीफ ले आइएगा, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप इसको किसी तरह के पॉटिंग मिक्स में डाल देंगे, लग जाएगा। और तो और अगर आप इसको, ये जैसे मैंने एक लगाया था, इसके साथ ही देखिए कितनी सारी रूट्स आ गई हैं। देखिए ये वाला भी प्लांट है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, देखिए अगर ये देखिए ये भी अलग है, अगर मैं इनको अलग कर दूंगी पॉट्स में तो ये अलग अलग हो जाएंगे, इस तरह से भी अलग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इसके छोटे छोटे से पप्स भी आते रहते हैं साइड्स में, तो ओ ये देखिए ये भी है, इधर भी आ रहे हैं, तो उनसे भी हम इसकी प्रोपिगेशन कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है इसकी प्रोपिगेशन, तो आप पत्ते से भी, इतना सा ये पत्ता यहाँ से काटेंगे, देखिए इधर से कट करिए आप इस पत्ते को, और ऐसे ही इसमें लगा दीजिए किसी भी मिट्टी में, बहुत इजीली आपका प्रोपेगेशन हो जाएगी। और फिर किसी दिन बातें करूँगी इसकी प्रोपेगेशन की, इसका जब मैं पॉट चेंज करूँगी तो फिर मैं आपको इसके पप्स की भी बातें करूँगी। तो आज के लिए तो इतना ही, आज फिर विदा लेना चाहूँगी। बहुत अच्छे नासा अप्रूव्ड जो है, रिकमेंडेड, नासा रिकमेंडेड एयर प्योरीफायर की बातें करके विदा लेती हूँ आपसे। फिर मिलूँगी, फिर एक प्लांट की बातें करेंगे, नए प्लांट की। आज के लिए इतना ही, ओके बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।